हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा में रहने वाले कोई भी व्यक्ति जिनसे सरकारी कर्मी रिश्वत मांगे तो इसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो हजारीबाग को दे, ब्यूरो तत्काल कार्रवाई करेगी। इस बाबत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग ने अपना नंबर भी सार्वजनिक किया है, 947059045 4 नंबर पर कोई भी व्यक्ति अपना शिकायत दर्ज करा सकता है। हजारीबाग प्रमंडलीय कार्यालय में एसपी रैंक के पदाधिकारी स्वयं बैठते हैं, ऐसे में उन्होंने आम लोगों से अपील भी किया है किसी भी सरकारी कर्मी को रिश्वत ना दें। जो प्रमंडलीय कार्यालय है जहां पुलिस अधीक्षक महोदय बैठा करते हैं, वहां सरकारी नंबर है 947059045 4 इस नंबर पर हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा के जो भी पीड़ित व्यक्ति जिन्हें लगता है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में उनसे रिश्वत की मांग की जा रही है, वे बेझिझक यहां आकर पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर आवेदन देंगे और उनके आवेदन पर उस सरकारी पदाधिकारी कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पदाधिकारियों का कहना है कि जिनसे सरकारी कर्मी ने रिश्वत की मांग की है उनके खिलाफ आवेदन और जिस काम के लिए रिश्वत मांगा गया है उसे संबंधित किसी भी तरह का दस्तावेज देना होगा। शिकायतकर्ता का नाम और पहचान गोपनीय रखा जाएगा। जिस व्यक्ति के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है उसके पास पेन पेपर में लिखा पढ़ी में काम पेंडिंग होना चाहिए, जिसका कागजात लेकर वो साथ आएंगे और कुछ भी उनको साथ लाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सारी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के आलोक में करेंगे। जो शिकायतकर्ता है, शिकायतकर्ता का आवेदन, उसकी सारी बातें सिर्फ पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी के स्तर तक ही रहती है, किसी को बताया नहीं जाता है, परम गोपनीय रखा जाता है। हाल के दिनों में एसीबी के द्वारा कई सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी काम के लिए रिश्वत देना गैर कानूनी है। बहरहाल जरूरत है आम लोगों को जागरूक होने की। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।